हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। ये सब टॉपिक है टीचिंग एड्स का। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन पिछली बार भी टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, दैट एक्सप्लेन इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स इन फिजिकल साइंस एंड गिव एडगर डेल्स क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स दोनों में आ सकता है या और भी किसी टीचिंग एग्जाम में आ सकता है। बिकॉज इस मॉड्यूल में यही बताया गया है कि टीचिंग एड्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि जब हम उसे यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन हो उस चीज़ की जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आज के टॉपिक की। सो एडगर डेल वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर बॉर्न ऑन April 27, 1900। अमेरिकन एजुकेटर थे ये। 27 अप्रैल 1900 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया जिसे लर्निंग पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि लर्निंग पिरामिड के बारे में बताइए या लर्निंग पिरामिड के बारे में लिखिए या क्लासिफिकेशन दीजिए उसकी, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ आएगी। 1960 में एडगर डेल ने एक हाइपोथेसिस दी दैट रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन लर्नर्स इज इंक्रीज्ड मोर इफ़ दे डू इन कंपेरिजन टू वॉट इज रेड हर्ड और ऑब्जर्व। यानी कि कोई काम जब कोई लर्नर करता है तो वो ज़्यादा रिटेंशन होती है उस चीज़ की, ज़्यादा टाइम वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है एज कम्पेयर टू अगर उसने वो चीज़ सिर्फ पढ़ी है, सुनी है या फिर ऑब्जर्व की है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की उन्होंने बात करी थी कि जब कोई काम खुद करते हैं, स्वयं कोई कार्य करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में बैठी रहती है। इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बात 1946 में अपनी बुक ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग में करी थी। फिर उसके बाद 1954 और 1969 में इसे रिवाइज किया गया। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। टीचिंग मेथड्स को डिवाइड किया है कि किस मेथड से कितना याद किया जा सकता है, कब तक वो चीज़ याद रखी जा सकती है, क्या रिलेशन है कि इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की गई है और उस प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन का क्या आउटकम होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की। तो जो इनका ये कोन था उसमें इन्होंने बॉटम पे क्या है उन चीज़ों को रखा जिससे हमें कंक्रीट एक्सपीरियंसेस मिले, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। इस तरीके की लर्निंग को लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर एक्शन लर्निंग भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं 11 स्टेजेस ऑफ एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जब हम बॉटम से शुरुआत करते हैं तो आता है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। ये सारे क्या है, एक्टिव लर्निंग है, इनमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अगर हम कैटेगरीज ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग यानी इनएक्टिव है। अगर आप चाहें तो इस पिरामिड के साइड में दो कॉलम्स और बना सकते हैं कि एक तरफ क्या लिख सकते हैं कि क्या कैटेगरीज हैं एक्सपीरियंस की, या फिर क्या लर्निंग आउटकम्स आएंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे इन्हें जानने के बाद कि बच्चे उन चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे और इवेल्युएट कर पाएंगे। एक तरफ आप लर्निंग आउटकम्स लिख सकते हो, दूसरी तरफ कैटेगरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। तीन कैटेगरीज हैं एक्सपीरियंसेस की। तो ये तीनों जो किसमें आते हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस, ये आते हैं लर्निंग बाय डूइंग यानी कि इनएक्टिव स्टेज में। और क्या लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बच्चे चीज़ों को, क्रिएट कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। और ये क्या है, एक्टिव लर्निंग की स्टेजेस हैं बिकॉज इनमें हम कार्य खुद कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एग्जिबिट्स, टेलीविजन, मोशन पिक्चर, रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स। ये सारे आते हैं पैसिव लर्निंग में क्योंकि इनमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और अगर हम कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो ये क्या है, आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस है बिकॉज इसमें हम कैसे सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, पैसिव लर्निंग है। और क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे इसके, कि बच्चे चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज विजुअल सिंबल्स एंड वर्बल सिंबल्स। अब ये क्या है, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या हो रही है,
कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस है. सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस मतलब अब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू हम सीख रहे हैं, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस. और क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे? चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे, लिस्ट आउट कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो इस कोन में अगर हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो रिटेंशन बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस बेसिस पर हो रही हैं? एब्स्ट्रैक्ट. और बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं. तो इस कोन में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे रिटेंशन बढ़ती रहेगी. जैसे जो रीड हेयर करने वाले हैं वहाँ 10 to 20% रिटेंशन होगी. जो चीज़ें हम वॉच कर रहे हैं जहाँ पे लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन हो रहा है वहाँ पे क्या है, 30 to 50% या 70% इतनी रिटेंशन हो सकती है, जो भी चीज़ें उन्होंने देखी सुनी या समझी. और जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात आती है, यानी जब हम बॉटम की बात करते हैं इस पिरामिड की, तो वहाँ पे 70 to 90% ऑफ रिटेंशन हो सकती है. तो चलिए अब इन स्टेजेस को एक एक करके थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हमने बात करी डिज़ाइन, या फिर उसे हम परफॉर्म भी कह सकते हैं, या डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं. यहाँ पे क्या है, बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि किसी भी एजुकेशन का क्या है, बेस होता है. क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं, जैसे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, तो उन्हें हम हमेशा कंक्रीट चीज़ों से समझाते हैं, तो वो क्या है, हर चीज़ का बेस है. इसमें हमारी मोस्ट ऑफ सेंसेस का इस्तेमाल होता है. हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं. और जब भी मल्टी सेंसेस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक सेंस से करेंगे तो वो थोड़े टाइम तक याद रहेगी, मल्टी सेंसरी जब अप्रोच हम लगाते हैं तो रिटेंशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. इस तरीके से ये क्या है, फाउंडेशन है हमारी लर्निंग की. नेक्स्ट है कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब वो एक्सपीरियंसेस हमें रिप्रेजेंटेटिव चीज़ों से मिले एज कम्पेयर टू मतलब एक्चुअल चीज़ों से ना मिले. मॉडल्स, जैसे मॉडल्स वगैरह हम देखते हैं, मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, तो हमें पता तो चल रहा है ना, वहाँ पे भी हम खुद काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कोई भी चीज़ कैसे वर्क कर रही है. यानी कि एक तरीके से क्या है, ये एडिटिंग ऑफ रियलिटी है. ये क्यों ज़रूरी होती है, जब कभी हमें रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल सकता है, जब रियल एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चों को डैम के बारे में बताना है कि डैम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, क्या पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे. तो वो चीज़ें हम ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके ही उन्हें बताएं, वो पॉसिबल हो सकता है कि ना भी हो. तो उस चीज़ का क्या करेंगे, हम उन्हें मॉडल दिखा देंगे. तो वो क्या है, एक तरीके की एडिटिंग ऑफ रियलिटी है, तो उन्हें वो चीज़ वैसे ही समझ में आएगी. नेक्स्ट इज ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस. अब ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस में क्या है, ये भी इल्यूजन ऑफ रियलिटी ही है एक तरीके से. ये थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं, ये जितने भी इनएक्टिव स्टेज में चीज़ें आती हैं. सिर्फ वो जो फर्स्ट है कि डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, उसमें हम खुद कार्य करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. ये कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस हो गया, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस हो गया, देन डेमोन्स्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता ही है. तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या है, इल्यूजन ऑफ रियलिटी है. टू कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया, एक्टिंग जब वो चीज़ एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करे, जब कंक्रीट, जैसे मान लीजिए कि आपको प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का कुछ मॉडल बनाना है और आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ड्रामेटाइज किया ना उसमें. और फिर ऑब्जर्विंग में क्या आ जाएगा, कोई और का वो काम कर रहा है और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसे देख रहे हो, तब भी सीखोगे, क्योंकि नज़रों के सामने वो चीज़ हो रही है तो देख तो रहे ही हो ना. अगर खुद काम नहीं कर रहे हो तब भी रिटेंशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी उस चीज़ के लिए. यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, डिज़ाइन, परफॉर्म, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस. जैसे मान लीजिए प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ वैसा मॉडल बनाया जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया, तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे प्योरिफिकेशन होती है वाटर की. और कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस और ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस मतलब किसी और ने वो काम किया और हमने उस काम को देखा और उससे हमने सीखा. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कोई और काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात आती है इसमें. फिर आते हैं फील्ड ट्रिप्स, जब जैसे जो चीज़ें क्लास में अवेलेबल नहीं है वो दिखाने के लिए अगर हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस पार्क ही लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें देख के सीख सकते हैं. तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके का यूजफुल और लाइवली एक्सपीरियंस हो जाता है. नेक्स्ट इज एग्जिबिट्स. अब एग्जिबिट्स किसके हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती है. तो यहाँ पे भी क्या है, यानी आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन हो रही है, चीज़ों को देख रहे हैं, आइकन्स को देख रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं, मॉडल्स को देख रहे हैं, फिर उन्हें समझ रहे हैं. फिर आता है एडुकेशनल टेलीविजन एंड मोशन पिक्चर्स.
अब क्या हम टेलीविजन्स के थ्रू भी सीखते हैं? हमें पूरे अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में पता चलता है। मोशन पिक्चर्स यानी कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे जो स्लो लर्नर्स होते हैं उन्हें भी हेल्प मिलती है कि जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो एक तरीके की क्या हो जाती है, ड्रामेटाइजेशन हो जाती है उन चीज़ों की भी, तो वो इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि वो जो पूरा इवेंट है वो रिक्रिएट होता है। नेक्स्ट इज स्टिल पिक्चर्स रेडियो एंड रिकॉर्डिंग्स। तो अब ये क्या है कि अगर हम बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुना के, स्टिल पिक्चर्स दिखा के यानी जो पिक्चर्स मूव नहीं करती, या फिर रेडियो पे कोई चीज़ें ऐसी सुना रहे हैं, तो वो क्या है उन लोगों के द्वारा भी समझी जा सकती है जो पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल सिंबल्स, यानी कि चीज़ों को देख के समझना। जैसे कि इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम्स, कार्टून्स, यानी कि कोई हमें वो समझा नहीं रहा है, हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं और उन्हें समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज वर्बल सिंबल्स। वर्बल सिंबल्स दो तरीके के होते हैं, रिटन वर्ड्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और स्पोकन वर्ड्स जो कि लेस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब वर्बली हम कैसे सीख सकते हैं, डिस्कशन से सीख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से सीख सकते हैं और लेक्चर्स से सीख सकते हैं। यानी कि जब हम वर्बली कोई चीज़ बच्चों को समझा रहे हैं, वर्बल सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं उससे समझाना। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या हमने इससे सीखा, क्या कंक्लूजन है इस टॉपिक का। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, विजुअल डिवाइस है जो टीचर्स को मदद करती है कि उन्हें किस हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया है वो चूज करना चाहिए। कौन मूव करता है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस की तरफ। इस कोन से ये समझाया गया कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करके आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच होना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताई गई। सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है वो मिक्स्ड और इंटर रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि कोई टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ सुन के समझ आ सकते हैं तो उनके लिए वो मेथड यूज़ किया जाए, कोई टॉपिक्स हैं जिनके लिए मॉडल्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है तो उनसे उनका इस्तेमाल किया जाए, और कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके समझाना चाहिए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यानी कि हर मेथड को यूज़ किया जाता है टॉपिक के हिसाब से कि कैसा टॉपिक है, तो टीचर को वो चूज़ करने में हेल्प करते हैं कि जिस चीज़ की आप जितनी रिटेंशन चाहते हो या आपको लगता है कि ये टॉपिक किस वे में इजीली समझ आ सकता है, तो इस तरीके से मल्टी सेंसरी अप्रोच करना चाहिए। टीचर को बहुत ज़्यादा कंक्रीट एक्सपीरियंसेस पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बच्चे वही सीखते रह जाएंगे, उनकी जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएगी, उनके कग्निशन की उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर वो इस बेसिस पे हो जाएंगे कि जो चीज़ सामने है वही समझेंगे। बल्कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सीखना होता है, जैसे हम मॉडल्स के बारे में सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट, जो एटॉमिक मॉडल है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन हम इनके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझना आता है। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि बैलेंस बनाया जाए कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस के बीच में, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन के बीच में, कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। और इन्होंने क्या बात करी थी कि जैसे जो कोन का बॉटम साइड है वहाँ पर रिटेंशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है। कन्फिकस भी इसमें कहते हैं कि आई सी एंड आई फॉरगॉट, आई हेयर एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। यानी कि जब हम खुद कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है। तो ये था हमारा एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें आपको इस लर्निंग पिरामिड को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि सबसे पहले पर्पजफुल एक्सपीरियंसेस आएंगे, फिर कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, फिर ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। ये सारे क्या है, इनएक्टिव स्टेज क्या है, यहाँ पे लर्न कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इनएक्टिव है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, और क्या चीज़ें बच्चे कर पाएंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे अगर हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं, एनालाइज कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे और इवेल्युएट कर पाएंगे। और ये क्या है, एक्टिव लर्निंग हो रही है यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। फिर उसके बाद है हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, एग्जिबिट, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर्स। अब ये क्या है, पैसिव लर्निंग है, और इसमें कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस कौन सा है, आइकॉनिक एक्सपीरियंस है, बिकॉज यहाँ पे हम लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। और क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे इसके, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे चीज़ों को, अप्लाई कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर आते हैं हमारे वर्बल सिंबल्स और विजुअल सिंबल्स। अब ये क्या है, हमारे
लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस है, और यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, बच्चे क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे चीज़ों को, लिस्ट आउट कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।